शिक्षा मंत्री की तरफ से स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है। सेशन 2023 से 24 के लिए रिपोर्ट कार्ड बताया गया है। छतरपुर, खंडवा, डिंडौरी टॉप 3 जिलों में शामिल हो चुके हैं। नरसिंहपुर जिला लगातार तीसरे नंबर पर बरकरार, पांचवें स्थान पर भोपाल है। इंदौर, सागर निचले पायदान पर आ गए हैं। सीधी, राजगढ़, रीवा ने सबसे ज्यादा सुधार अपने स्कूलों में किया है। श्योपुर, कटनी, इंदौर ने सबसे ज्यादा गिरावट देखी है अपने अंदर। जबलपुर संभाग ने टॉप भी किया है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर सागर संभाग का आप जिक्र करें तो ये दूसरे नंबर पर है। नर्मदापुरम तीसरे स्थान पर। सीधी के सबसे ज्यादा टॉप 10 स्कूल्स हैं। 100 की लिस्ट में जो शामिल टॉप 10 स्कूल्स हैं, इसमें सीधी के सबसे ज्यादा स्कूल्स शामिल हैं। तो अगर आप इन जिलों से हो तो आपके लिए ये रिपोर्ट कार्ड देखना बहुत जरूरी है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और जबलपुर में एनएसयूआई का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में जमकर बवाल काटा है। पुलिस ने गेट पर बैरिकेटिंग कर रखी थी जिससे छात्र जो थे संगठन के आगे ना बढ़ पाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन बैरिकेटिंग को तोड़ दिया, अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी घटनास्थल की, जब नारेबाजी चल रही थी और उसके बाद बैरिकेटिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, पुलिस पीछे से प्रयास करती हुई कि विश्वविद्यालय के करीब ये सब ना जा सकी, लेकिन उसी दौरान ये दृश्य। और रायसेन में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें दूल्हे की मामी की मौत हो गई है। 7 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हैं। सांची मार्ग पर कोड़ी नदी के पास की घटना। शादी समारोह के बाद यूपी ललितपुर के मेहरोनी ये पूरा परिवार जा रहा था। विदिशा रेलवे स्टेशन पर इन मेहमानों को छोड़ना था, लेकिन रास्ते में पुलिया से एक गाड़ी टकरा गई। दूल्हे की मामी की मौत हो गई, एक महिला की मौत हो गई और 7 लोग बुरी तरह से घायल हैं। और ग्वालियर का एक दृश्य आपको दिखाएंगे जहां कार्यकर्ताओं पर भड़कते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए हैं। मुलाकात के लिए यहां पर महिला पहुंची थी, लेकिन कार्यकर्ता को भगाया गार्ड ने, महिला को डांटकर बाहर भगा दिया। खुद को पार्टी की पूर्व जिला महामंत्री वो बता रही थी, महिला ब्रिगेड का नेशनल प्रेसिडेंट भी खुद को बताया, लेकिन गार्ड ने चूंकि महिला को डांटकर भगा दिया। ये तस्वीरें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दूसरे लोग कुछ बोल रहे होंगे। क्या होता है कि जब हम अपने संगठन से, दूसरे सिस्टर कंसर्न से हम काम करते हैं, दूसरे लोग हमें हल्के में लेते हैं, ऐसा होता है। जैसे कि हमारे, आप देख लीजिए भाजपा में, देख लीजिए कुछ गार्ड्स लोग हैं वो करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, वो तो थोड़ा बहुत होता है, इट्स ओके। मिसबिहेव तो कुछ नहीं किया, बस वो ये बोलते हैं मैडम बाद में मिल लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, मिल लेंगे। नहीं, राया साहब की बात, पागल हो गया आप? आपने कुछ भी सुन लेते हो, कुछ भी बोलने लगते हो। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अरे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने ये बोला कि थोड़ी देर से मिलेंगे हम बात कर। इधर रतलाम में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा बरपा है। नगर निगम और पुलिस की टीम एक साथ यहां पर पहुंची थी, लेकिन उन्हीं के साथ झूमाझटकी शुरू हुई है। सिलेंडर में आग लगाने की भी कोशिश हुई, इस स्तर तक हंगामा बरपाने का प्रयास। सिविक सेंटर के पास ये देखें झड़प की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। निगम के प्लॉट पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। जब हटाने के लिए निगम का दस्ता और पुलिस टीम पहुंचती है तो ऐसा बवाल काटा गया। ये तस्वीरें आप देखिए, सिलेंडर में आग लगाने का प्रयास, धमकाया जा रहा था कि ब्लास्ट कर देंगे, यहां से निकल जाइए। ये निगम और पुलिस दस्ते की तरफ से कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि निगम की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का ये मामला है।